गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो यूट्यूब पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट सेकंड की, उसमें आज हम हमारा चौथा लेक्चर देखने वाले हैं। तीन लेक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उन तीन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो पिछले तीन लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम CFT पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि CFT के अनुसार अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय क्षेत्रों में संकुलों का विपाटन या संकुलों के डी ऑर्बिटलों का जो विपाटन होता है, धातु आयन के डी ऑर्बिटल का, वो किस प्रकार से होता है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में। आज हम देखेंगे कि हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये CFSE क्या है, क्या कैलकुलेट करना है आज हमें कैलकुलेट करना है CFSE। क्या है ये CFSE? CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। जब हमने अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संकुल पढ़े थे तो वहाँ हमने क्या किया था, जो डी ऑर्बिटल्स थी धातु आयन की, जब लिगेंड पास में आता है धातु आयन के, तो उसके लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण की वजह से डी ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, वो दो भागों में टूट जाती है ना। और जब ये डी ऑर्बिटल का विपाटन होता है तो इस प्रोसेस में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, CFSE। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, CFSE को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो उसी ऊर्जा का हमें गणना करनी है कि आखिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें कितनी प्राप्त हुई, CFSE हमें कितनी प्राप्त हुई, यानी कि वो क्रिस्टल कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हुआ, कितनी एनर्जी उसने त्यागी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना, कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय संकुल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, शॉर्ट में हम इसे OH लिखते हैं। ऑक्टाहेड्रल को क्या लिखते हैं, OH, क्योंकि मैं बार बार OH या O ही लिखूंगी तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल मीन्स अष्टफलकीय। ठीक है, अब हम देखेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना हम किस प्रकार करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको संकुलों के बारे में बताया था कि दो तरह के संकुल बनते हैं, एक बनते हैं हाई स्पिन और एक बनते हैं लो स्पिन, यानी कि उच्च चक्रण और निम्न चक्रण संकुल। तो उच्च चक्रण संकुलों के लिए CFSE की गणना अलग प्रकार से होगी और निम्न चक्रण संकुलों के लिए CFSE की गणना जो होगी वो अलग प्रकार से होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, उच्च चक्रण संकुलों के लिए। किसके लिए कर रहे हैं हम, सबसे पहले उच्च चक्रण संकुलों के लिए CFSE की गणना देख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें CFSE की गणना करनी है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अष्टफलकीय संकुलों में डी ऑर्बिटल का विपाटन किस प्रकार होता है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, पहले लेक्चर में देख चुके हैं। क्या किया था हमने, एक रिवीजन दे देती हूँ छोटा सा। पांच डी ऑर्बिटल थी धातु आयन की, पांचों की पांचों क्या थी, डी जनरेट। जैसे जैसे लिगेंड पास में आए तो सबसे पहले क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट में गई, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, काल्पनिक कंडीशन थी। यहाँ पर क्या हुआ, पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, और फिर क्या हुआ, ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती अष्टफलकीय संकुलों में। फिर फाइनली क्या होगा कि डी ऑर्बिटल दो भागों में टूट जाती है, डी ऑर्बिटल दो भागों में टूट जाती है, एक था हमारा T2G सेट और दूसरा था हमारा EG सेट।
अगर हम इसे ले लें ग्राउंड स्टेट, क्या है ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये क्या है, इसकी एनर्जी हाई है, उच्च ऊर्जा की है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ही तो कहेंगे इसे। और हमने बताया था ये बीच में क्या होता है, ये होता है बेरी सेंटर, इसकी एनर्जी हमने कितनी ली है, जीरो ली है, ये किसके सापेक्ष है, एक्साइटेड स्टेट के सापेक्ष है, यहां पर डी ऑर्बिटल का विपाटन नहीं हुआ है, तो ये नो स्प्लिटिंग जोन है जहां पर विपाटन नहीं होता है, इसकी एनर्जी कितनी ली है हमने, जीरो ली है। और बताया था कि यहां से यहां तक की एनर्जी निकलती है वो कितनी होती है, -0.4 डेल्टा ओ या 4 dQ, और ये कितनी होती है प्लस, इसने एनर्जी ग्रहण की तो +0.6 डेल्टा ओ, ठीक है, हमें इतना पता चल गया। तो हम जो CFSE कैलकुलेट करते हैं वो इस ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम देखें ये सबसे स्टेबलाइज है, सबसे ज्यादा स्थायित्व में है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो हमेशा क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। और अगर इसके तुलना में इनसे की जाए तो ये क्या है, इसकी एनर्जी इससे तो बहुत आई है, यानी कि ये तो अस्थायी है। और अगर इनको भी देखा जाए, इन दोनों को, हालांकि ये T2G जो है इसकी एनर्जी इससे तो कम है, तो इसकी तुलना में तो स्थायी है, लेकिन अगर इसकी तुलना ग्राउंड स्टेट से की जाए तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, अस्थायी, ये स्टेट भी अस्थायी है, ये स्टेट भी अस्थायी है। तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में हम CFSE की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम हमेशा कौन सी स्टेट लेके चलते हैं, ये स्टेट लेके चलते हैं, एक्साइटेड स्टेट लेके चलते हैं, एक्साइटेड स्टेट के रेस्पेक्ट में हम हमेशा CFSE का गणना करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें CFSE निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो क्या होगी, ये क्या है हमारी नॉन स्प्लिटेड स्टेट, या हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, CFSE कैलकुलेट करना है। CFSE कहाँ से कैलकुलेट होगी, यहाँ से, क्योंकि CFSE क्या है, विपाटन में निकली हुई ऊर्जा, विपाटन कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यानी कि CFSE जो होगी वो क्या होगी, एनर्जी होगी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज हुई है किसमें, विपाटन में, स्प्लिटिंग में, तो मैं इसको SS लिख दूं, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट, स्प्लिटेड मतलब विपाटित स्तर की ऊर्जा, यहाँ पर जो विपाटन हुआ उसमें जो ऊर्जा निकली होगी वो, इसमें से माइनस करूंगी किसकी ऊर्जा, एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा, क्योंकि हमने एक्साइटेड स्टेट को कितना लिया है, जीरो लिया है, एनर्जी कितनी है, जीरो ली है, हालांकि होती नहीं है, लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए मान के चला है कि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है, जीरो है। तो अगर हम इसमें से जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हम एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को जीरो मान के चल रहे हैं। तो हम उसे बार बार घटाए ना घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो भी एनर्जी आएगी उसमें से जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम जो CFSE लेकर चलते हैं वो एक्चुअल में क्या होती है, स्प्लिटेड स्टेट की एनर्जी, यानी कि ये जो स्प्लिटिंग हुई, विपाटन हुआ, इसमें जो ऊर्जा मुक्त हुई केवल उसकी एनर्जी होती है। अब हम देखिए कि हम स्प्लिटेड स्टेट के लिए CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम मैं लिख सकती हूँ CFSE बराबर केवल इसी स्टेट की ऊर्जा होगी, क्योंकि ये तो जीरो हो गई, तो हम बार बार इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, केवल हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, CFSE लेके चलेंगे एक्साइटेड स्प्लिटेड स्टेट के लिए। तो हम CFSE किससे कैलकुलेट करेंगे, ये जो स्प्लिटेड स्टेट है, विपाटित, ये जो हमारे विपाटित डी ऑर्बिटल है इनके लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट, तो हम जो CFSE की कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ देखकर करेंगे, यहाँ पर हम केवल इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि डी ऑर्बिटल कैसे टूटती है, T2G नीचे, EG ऊपर, T2G की एनर्जी कितनी है -0.4 डेल्टा ओ, और EG की कितनी है +0.6 डेल्टा ओ। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन T2G में, ठीक है, यहाँ मौजूद है इलेक्ट्रॉन T2G में, तो मैंने मान लिया X, T2G दो सेट हैं, एक T2G सेट है और एक XEG सेट है, तो मैंने मान लिया जो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे उन्हें X मान लिया, और जो इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे उन्हें Y मान लिया, जितने भी जाएं 3, 4, 5 जितने भी जाएं वो हम देखेंगे आगे कैसे, ठीक है। T2G में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको क्या मान लिया हमने, X, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे
जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, वो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, x ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे, T2g की एनर्जी कितनी है, -0.4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, प्लस Eg सेट में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको हमने मान लिया y, क्या मान लिया, y मान लिया, जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएं, दो, तीन, चार, एक, जितने भी जाएं, उनको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब Eg सेट की एनर्जी कितनी है, 0.6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.6 से, x जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको -0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जोड़ेंगे y, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एनर्जी आएगी वो होगी हमारी CFSE, किसके लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा O, ये जो निकल कर आएगी एनर्जी, ये क्या है, CFSE, किसके लिए, अष्टफलकीय के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, O लगाया। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CFSE कैलकुलेट करेंगे। CFSE में एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, क्या है, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, मान लो कोई ऑर्बिटल है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, ठीक है, और अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराऊं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से आने नहीं देगा, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, युग्मन ऊर्जा, यानी कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के युग्मन में प्रयुक्त ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रॉन के युग्मन में प्रयुक्त ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है, यानी कि CFSE तो कैलकुलेट करेंगे, प्लस इसमें एक चीज और आएगी जो कि है हमारी क्या, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे साथ में, CFSE के साथ में, पेयरिंग एनर्जी, देखेंगे कितने पेयर बन रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, उसे क्या कहेंगे हम, पेयरिंग एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है इसे नोट कर लीजिए, इसी का हम यूज करके सभी विन्यासों के लिए D1, D2, D10, D1 से लेकर D10 तक CFSE का गणना करेंगे, ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए, फिर हम अब कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन, कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन, तो मैं इसे मिटा देती हूं। अष्टफलकीय उच्च चक्रण संकुलों के लिए CFSE की गणना, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टेबल बना के करेंगे तो हमें ज्यादा आसानी रहेगी इसलिए, ठीक है, पहले कॉलम में हम क्या लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पर हम लिख लें इलेक्ट्रॉनों का भराव किस तरीके से होगा, और यहां पर हम लेके चल रहे हैं CFSE, कितनी CFSE आएगी उसकी, ठीक है, ये बना ली हमने टेबल, हम D1 से लेकर D10 तक के कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे D1 के लिए, याद रखिएगा किसके लिए चल रहा है, उच्च चक्रण संकुलों के लिए, ठीक है, D1
डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन, डी एट, डी नाइन और डी टेन। डी वन से लेकर डी टेन तक के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम जानते हैं हमारी कितनी डी ऑर्बिटल होती हैं, पांच, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। मैंने यहां पर पांचों को एक लेवल में लिखा है, लेकिन ये पांचों की एक लेवल में नहीं होंगी, ये दो भागों में बटी हुई होंगी, एक टी टू जी और एक ई जी। तो हम जानते हैं ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, ये जो तीन ऑर्बिटल हैं ये क्या है, टी टू जी, और ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये क्या है, ई जी, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा एक डायग्राम बना लेंगे जो कि हमने बनाया था एक्साइटेड स्टेट के लिए। ये क्या है, हमारी एक्साइटेड स्टेट है और ये दो भागों में बटी हुई है, एक है टी टू जी और एक है हमारे पास टी टू जी और ई जी। यहां पर हम देखें डी वन के लिए डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया होगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, फिर क्या हुआ होगा, डी ऑर्बिटल का विपाटन हुआ होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जब विपाटन हुआ तो दोबारा से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से भरना शुरू होते हैं, हुंड के नियम के अनुसार, आवभाव के नियम के अनुसार, पाउली के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से भरना शुरू होते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षकों से। तो यहां पर निम्न ऊर्जा के कक्षक कौन है, टी टू जी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये कहां जाएगा, टी टू जी में जाएगा, ठीक है। डाल दिया हमने टी टू जी में। हम जानते हैं यहां से यहां तक की एनर्जी कितनी थी, माइनस 0.4 डेल्टा ओ, ये कितनी थी, प्लस 0.6 डेल्टा ओ। तो अब सीएफएसई का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वही लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था, एक्स इंटू माइनस 0.4, एक्स इंटू माइनस 0.4 प्लस वाई इंटू प्लस 0.6, या प्लस साइन ना लगाएं, 0.6 क्या है, प्लस में है, प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हम हमारी वैल्यू रखेंगे सीएफएसई के लिए। एक्स क्या है, टी टू जी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, टी टू जी सेट में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक। तो यहां पर एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 0.4 से। जोड़ेंगे इसमें क्या, ईजी में कितने, वाई, वाई क्या है, ईजी में इलेक्ट्रॉन, अभी ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 0.6 से, ठीक है। प्लस क्या है, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या है, युग्मन ऊर्जा क्या है, जब युग्म बनेगा, पेयर बनेगा, तभी तो पेयरिंग एनर्जी निकलेगी। तो अगर हम यहां देखें कोई युग्म नहीं बना है तो पेयरिंग एनर्जी भी यहां पर क्या हो जाएगी, प्लस 0p, पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि यहां पर कोई पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा नहीं आएगी। तो अब कैलकुलेट करें ओवरऑल कितना निकल कर आया हमारे पास, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। तो हमारी इसकी सीएफएसई क्या हो गई D1 के लिए, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। तो हम यहां लिख देंगे सीएफएसई कितनी आई D1 के लिए, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। और इलेक्ट्रॉन कहां गया, T2G में, कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक। तो विन्यास क्या हो जाएगा, T2G1, विन्यास क्या हो जाएगा इसका, यहां पर लिख दूं विन्यास क्या है, T2G1 EG0। ठीक है, अब ऐसे ही हम D2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहां पर एक की जगह कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर जब स्प्लिटिंग हुई तो T2G में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दूसरा, T2G में। अब आप ऐसे तो नहीं भर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन यहां गया और पेयरिंग करा दे, नहीं, क्योंकि जब तक तीनों डी और इन तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते तब तक पेयरिंग तो स्टार्ट होने वाली है नहीं। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा, दूसरी ऑर्बिटल में,
ये dxy दी, dyz, dzx, dx square minus y square और ये हमारे पास dz square। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है t2g में? दो इलेक्ट्रॉन है। तो फिर से cfs ही निकालेंगे या मैं इसी में देख देती हूँ, यहाँ कितने मौजूद हैं? दो। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? दो। तो यहाँ रखा दो मल्टीप्लाई माइनस 0.4 से। eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो प्लस 0p। यहाँ पर भी कोई युग्म नहीं बन रहा है, कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। तो इसकी एनर्जी हम देखें कितनी आ गई, माइनस 0.8 डेल्टा ओ। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस 0.8 डेल्टा ओ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? t2g में। ये तीन क्या थे? t2g। ये तीन d ऑर्बिटल t2g थे, ये दो d ऑर्बिटल eg। तो मैं विन्यास क्या लिख सकती हूँ? t2g g2 और eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। ऐसे ही हम d3 के लिए करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है, वही सेम कंडीशन। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? निम्न ऊर्जा के कक्षक में यानी t2g में। तो अब मैं x की वैल्यू दो की जगह क्या कर दूंगी? यहाँ पर तीन। t2g में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर तीन मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.4। eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो मल्टीप्लाई बाई 0.6। 0p क्योंकि अभी भी कोई युग्मन नहीं हुआ है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी? अभी भी जीरो रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1.2 डेल्टा ओ। तो d3 के लिए पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी? माइनस 1.2 डेल्टा ओ। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? पहले t2g में तीन इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और eg खाली रहेगा। तो विन्यास हो जाएगा t2g3 eg जीरो। अब d4 के लिए देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो पांचों d ऑर्बिटल डी जनरेट हैं, तो d4 तो यहीं आएगा। लेकिन अब बात है यहाँ पर, जब ये स्प्लिटिंग हो गई तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? या तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मन करेगा, पेयरिंग करेगा, या तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ईजी में जाएगा। तो इसका जवाब हम पिछले लेक्चर में दे चुके हैं, हम कौन से संकुल पढ़ रहे हैं? उच्च चक्रण, हाई स्पिन। हाई स्पिन में क्या होता है? ये जो गैप होता है, स्प्लिटिंग जो हुई वो कम होता है, और जो हमें युग्मन में ऊर्जा देनी पड़ेगी वो ज्यादा होती है। हाई स्पिन में क्या होता है? डेल्टा ओ कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी युग्मन कराएंगे तो हमें बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को ईजी में ले जाएंगे तो कम ऊर्जा लेनी पड़ेगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? जहाँ पर हमारे पास कम ऊर्जा का यानी कम इन्वेस्टमेंट हो, यानी हमारे पास कम ऊर्जा खर्च हो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ईजी में। तो यहाँ पर अगर हम चौथा इलेक्ट्रॉन भरें तो वो कहाँ जाएगा? चौथा इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, 2, 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग ना करके कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। अब हम इसके लिए कैलकुलेट करें सीएफएसई, फॉर्मूला वही रहेगा। टी2जी में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। तो हमने यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख दिया? तीन। कितनी एनर्जी है? माइनस 0.4, मल्टीप्लाई किया किससे? माइनस 0.4 से। प्लस अब ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो वाई की जगह पर हम क्या रखेंगे? एक। पेयरिंग एनर्जी देखें, क्या अब भी कोई युग्म बन रहा है? नहीं, अब भी कोई युग्म नहीं बन रहा, तो पेयरिंग एनर्जी अभी भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो ओवरऑल कितना निकल कर आएगा? माइनस 1.2 प्लस 0.6। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? माइनस 0.6 डेल्टा ओ। तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी? माइनस 0.6 डेल्टा ओ। विन्यास क्या हो जाएगा? T2g में तीन इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन eg में, तो क्या लिखेंगे? T2g3 eg1। क्या विन्यास है? T2g में तीन और eg में एक इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे d5 के लिए इसी तरह से, क्योंकि ये हाई स्पिन संकुल है, यहाँ भर दिए पांच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन है, जब स्प्लिटिंग हुई तो इलेक्ट्रॉनों को दोबारा से फिलिंग होगी। तो हम जानते हैं एक दो तीन, तीन इलेक्ट्रॉन तो भरे जाएंगे क्योंकि तीनों ऑर्बिटल सेम ऊर्जा की हैं, तो जब तक ये पूरी नहीं भरी जाएंगी तब तक इनमें पेयरिंग शुरू नहीं होगी। फिर हमने देखा, क्योंकि हम उच्च चक्रण संकुल पढ़ रहे हैं तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और गैप कम है यानी डेल्टा कम है, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का युग्मन ना कराकर उसे कहाँ ले जाएंगे? ऊपर वाली स्टेट में ले जाएंगे। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा? ईजी में। तो हम कैसे भरेंगे? एक दो तीन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पेयरिंग नहीं कराएंगे, बिल्कुल वैसे ही भरेंगे इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पर भरे हैं, जब डी ऑर्बिटल क्या है? डी जनरेट है, समान ऊर्जा की हैं। यहाँ पर भी हमने इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हैं,
पांचों डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरीके से भरे हैं, पांचों डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाई स्पिन संकुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिन फ्री होते हैं, यानी जैसा मुक्त धातु आयन में विन्यास रहेगा बिल्कुल वैसा ही विन्यास किस में रहेगा, संकुल बनने के बाद भी धातु आयन का विन्यास वही रहेगा। तो अब अगर हम इसके लिए सीएफएसई कैलकुलेट करें तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो हमने x की जगह 3 रख दिया, -0.4 प्लस। अब Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो y की जगह पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6। पेयरिंग एनर्जी दिखें, अभी भी कोई पेयर नहीं बना है, कोई युग्म नहीं बना है, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस के 1.2 प्लस के 1.2, तो ये कितना आ जाएगा, सीएफएसई कितनी आ जाएगी, 0। तो D5 के लिए सीएफएसई क्या होती है, 0 होती है। और विन्यास क्या लिख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन T2g में है और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में, तो T2g3 Eg2। अब बात करते हैं D6 की, अब पांचों डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, तो अब छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है वो क्या करेगा, युग्मन करेगा, यहाँ करा दिया युग्मन, फिर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई लिगेंड पास में आए, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, हम जानते हैं हाई स्पिन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे, T2g में, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा कहाँ भरना है, उच्च चक्रण है, पेयरिंग ज़्यादा है, डेल्टा कम है, तो कहाँ जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाएगा, फिर पांचवा भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो हमको पेयरिंग करानी ही पड़ेगी, क्योंकि छठवा, अब पांचों डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो अब क्या करेगा छठवा इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग करेगा, युग्म बनाएगा, तो कहाँ जाएगा, कहाँ से पेयरिंग शुरू करेगा, जो निम्न ऊर्जा की होंगी कक्षे के, यानी कि कहाँ जाएगा, T2g में जाएगा। तो अब सीएफएसई कैलकुलेट करें, T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, -0.4 प्लस। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 0.6। अब यहाँ पर देखें, अब तक तो कोई युग्म नहीं बन रहा था, लेकिन अब तो युग्म बन रहा है ना, एक युग्म बन रहा है यहाँ पर, तो पेयरिंग एनर्जी जुड़नी चाहिए, एक पेयर बन रहा है तो पेयरिंग एनर्जी कितनी जुड़ेगी, 1p की, पेयरिंग एनर्जी क्या जुड़नी चाहिए, 1p की एनर्जी जुड़नी चाहिए पेयरिंग एनर्जी में, है ना। लेकिन अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, सीएफएसई क्या होती है, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो हम यहाँ पर ये चेंज कर दे थोड़ा सा कि एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट प्लस पेयरिंग एनर्जी, सीएफएसई में हम क्या भी जोड़ के चल रहे हैं, पेयरिंग एनर्जी भी जोड़ के चल रहे हैं ना, तो पेयरिंग एनर्जी माइनस, क्या माइनस करना है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, इसमें भी तो पेयर बन रहा है तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर भी होगी, तो प्लस पी, क्या हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये क्या होती है, 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है, इसकी एनर्जी भले ही 0 हो लेकिन पेयरिंग एनर्जी तो 0 नहीं होगी, क्योंकि पेयर तो बना है, तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर भी है और उतनी ही पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर भी है, और दोनों क्या हो रही है, माइनस हो रही है एक दूसरे में से, तो क्या हो जाएगा, दोनों पेयरिंग एनर्जी एक दूसरे को कैंसल कर देंगी, तो हमारे पास यहाँ पर 1p ना आकर कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी, 0p आएगी पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, बहुत से ऑथर क्या होते हैं, बहुत से राइटर तुम बहुत सी बुक्स में देखोगे कि यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो वो 1p को जोड़ के चलते हैं, तो गलत वो भी नहीं है, हम यहाँ पर रेफरेंस मानकर चल रहे हैं, हमने क्या किया है, सबसे सही तरीका तो यही है कि एक्साइटेड स्टेट में भी पेयर बन रहा है, तो जब पेयर बन रहा है तो इसकी पेयरिंग एनर्जी को कैंसिल कर देगी, तो जो ऑथर यहाँ पर एक पेयरिंग एनर्जी लिखते हैं वो ये मानकर नहीं चलते कि एक्साइटेड स्टेट में पेयर बन रहा है, यानी कि वो इस स्टेट को कंसीडर नहीं कर रहे, रेफरेंस को नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 1p को जोड़ देते हैं, और हम क्या लेकर चलेंगे, हम रेफरेंस को लेकर चलेंगे, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आप 1p लिख रहे हैं यहाँ पर तो इसका मतलब आपने रेफरेंस नहीं लिया है, आप डायरेक्ट यहाँ पर पेयर देख के कैलकुलेट कर रहे हैं और 1p को जोड़ दिया क्योंकि एक पेयर बन रहा है, लेकिन अगर हम रेफरेंस लेकर चलेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर भी एक पेयर है, यहाँ पर भी एक पेयर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो पेयरिंग एनर्जी हमारे पास ओवरऑल क्या आएगी,
जीरो, यानी कि यहाँ पर कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। तो हम रेफरेंस लेकर चलेंगे, वो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखते हैं, रेफरेंस लेकर चलते हैं या नहीं चलते हैं। सबसे सही बात तो यही है, रेफरेंस लेकर ही चलना चाहिए, ठीक है। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होंगी आपको वहाँ जरूर मिल जाएगा ये कि रेफरेंस लेकर चलाए, और जितनी भी लो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी वहाँ आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, वहाँ पेयरिंग एनर्जी जुड़ी हुई मिलेगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेकर चलते हैं। मैं फिलहाल पेयरिंग एनर्जी को कंसिडर नहीं करूंगी क्योंकि मैं रेफरेंस लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी तरफ से जीरो पेयरिंग एनर्जी क्या है, जीरो। तो अब कैलकुलेट करें कितनी आएगी सी एफ एस सी, माइनस 1.6 प्लस 1.2 कितनी आ जाएगी, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। तो वापस से पेयरिंग एनर्जी रिपीट होना शुरू हो गई, माइनस 0.4 डेल्टा ओ, और विन्यास क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ये 3 टी टू जी हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ठीक है। ऐसे ही हम डी सेवन के लिए लेके चलेंगे, सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 6 और ये 7, तो सेम फीलिंग होगी, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद छठवां इलेक्ट्रॉन नीचे और सातवां भी कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि अब तो हमको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी भले ही जीरो है लेकिन पेयरिंग एनर्जी कितनी है, 2 की। यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर, यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो दोनों पेयर क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी अभी भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि 2 पेयर यहाँ पर हैं, 2 पेयर यहाँ पर हैं, दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल कर देंगे, पेयरिंग एनर्जी कितनी रहेगी हमारे पास, जीरो रहेगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं, टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 और एक 5, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5। ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो y की जगह पर 2 प्लस मल्टीप्लाई वाई 0, 6, पेयरिंग एनर्जी क्या है हमारी अभी भी, 0। तो हम यहाँ देखें, माइनस 2.0 प्लस 1.2 बराबर माइनस 0.8 डेल्टा ओ। तो इसकी सी एफ एस सी क्या आ जाएगी, माइनस 0.8 डेल्टा ओ आ जाएगी सी एफ एस सी। विन्यास क्या रहेगा, क्या रहेगा विन्यास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टी टू जी में आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टी टू जी में है 5, ई जी में कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा विन्यास, ठीक है। ऐसे ही हम सेम डी एट के लिए कैलकुलेट करेंगे, डी एट में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ भरेंगे पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां, सातवां, और ये हो गया हमारा आठवां इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये भी कहाँ गया, टी टू जी में गया। पहले 5 इलेक्ट्रॉन भरे पांचों डी ऑर्बिटल में, क्यों हम ऊपर ले गए, उसका रीजन यहाँ पर है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा कम है, इसलिए हमें पांचवा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना पड़ा था, ऊपर। जब हम चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर भर चुके हैं तो कोई और ऑप्शन नहीं, हमको पेयरिंग करानी पड़ेगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 7th यहाँ आया और 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो अब टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.4। ई जी में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। पेयरिंग एनर्जी देखें, यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, और यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो पेयरिंग एनर्जी अभी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस 2.4 डेल्टा ओ माइनस प्लस 1.2 डेल्टा ओ। तो ये ओवरऑल आ जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा ओ, कितना आ जाएगा, माइनस 1.2 डेल्टा ओ। जैसा कि आप देख रहे हैं D5 के बाद CFSE फिर से रिपीट होने लगी, फिर से माइनस 0.4 माइनस 0.8 माइनस 1.2। सेम इसी तरह से D9 के लिए कैलकुलेट करेंगे, नौवां इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ भरेंगे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा का जाएगा ऊपर, पांचवा भी जाएगा ऊपर, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग, तो 6, 7, 8। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, ई जी में जाना चाहिए, तो पहुँचा दिया। तो टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, तो 6 × −0.4। अब ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, तो वाई की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई वाई 0.6 प्लस 0p, पेयरिंग एनर्जी क्या है, 0, क्यों है 0, यहाँ पर भी 4 पेयर बन रहे हैं और यहाँ पर भी 4 पेयर बन रहे हैं, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी भी 4p आएगी और इसकी भी क्या आएगी, 4p, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ओवरऑल पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, 0 रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
6 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा माइनस के 2.4 डेल्टा ओ प्लस के 1.8 डेल्टा ओ बराबर आ जाएगा माइनस के 0.6 डेल्टा ओ। तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस 0.6 डेल्टा ओ। विन्यास क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखें वहां पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में है 6 इलेक्ट्रॉन, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो T2G सेट है इसमें कितने हैं, 6, और EG में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो वही विन्यास हमने यहाँ लिख दिया, गलत लिख दिया क्या, हाँ सॉरी D8 में लिख दिया हमने। यह आएगा D9 में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। T2G में कितने हैं, ये 3 क्या है, T2G में 6, EG में कितने हैं, 3। एनर्जी कितनी आएगी CFSE, माइनस 0.6। ऐसे ही D10 में देखेंगे, D10 में हम बता सकते हैं अगला इलेक्ट्रॉन दसवां बचा वो भी क्या कहेगा, EG में जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर छठवां सातवां आठवां नौवां और दसवां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ईजी में गया। तो अब CFSE क्या हो जाएगी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो x की जगह 6 आ गया, माइनस 0.4 मल्टीप्लाई किया, प्लस ईजी में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 मल्टीप्लाई 0.6 से। पेयरिंग एनर्जी देखें तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी 5। यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो पेयरिंग एनर्जी क्या अभी भी क्या रहेगी, 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 2.4 डेल्टा हो प्लस के 2.4 डेल्टा हो, तो कितनी आ जाएगी पेयरिंग हमारी CFSE, 0। यानी D10 के लिए फिर से CFSE क्या आ जाएगी, 0। यानी रिपीट हुआ, माइनस 0.4 से D5 पर आकर 0 हुआ, फिर वही रिपीट हुआ D10 पर आकर 0 हो गया। यानी कि जो विन्यास होंगे हमारे, एक मिनट बताएंगे अभी, पहले यहाँ बढ़ लें, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। T2G में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, EG भी पूरा भरा हुआ है, EG में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, CFSE क्या हो गई, 0। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं यहाँ से, कि जो D5 होगा, D5 विन्यास होगा और D10 विन्यास होगा, इसके लिए CFSE क्या आएगी हमारी, CFSE आएगी हमेशा 0। इसके अलावा विन्यास क्या हो, D0 हो, यानी D में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही ना हो, तो X की जगह क्या हो जाएगा, 0, Y की जगह भी 0 हो जाएगा, तब भी CFSE हमारी क्या आएगी, 0। तो ये 3 विन्यास हैं, D5, D10 और D0, D0, D5 और D10। जब भी विन्यास D0 होगा, D5 होगा या D10 होगा, तो CFSE हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरीके से हम उच्च चक्रण संकुलों के लिए CFSE की गणना करते हैं। समझ में आई आप सभी को, आई होप समझ में आई होगी, क्योंकि टफ नहीं है, इजी है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने में, बहुत आसान है समझने के लिए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं CFSE। तो जिस प्रकार हमने अष्टफल किए, उच्च चक्रण संकुलों के लिए CFSE की गणना की, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अब हम अष्टफलकीय कौन से लेंगे, निम्न चक्रण संकुल लेंगे, लो स्पिन संकुल। वो हाई स्पिन थे, उच्च चक्रण थे, और ये क्या है, लो स्पिन में क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल के दो पार्ट्स में, ये बहुत ज़्यादा हुई, याद रखिए हम दिखा नहीं सकते बहुत ज़्यादा, क्या दिखाऊंगी कि मैं एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल बिल्कुल नीचे दिखाऊंगी, नहीं, मैंने दिखाया ऐसा है, लेकिन यहाँ लिख रखा है कि ये जो गैप होगा, एनर्जी गैप, ये बहुत ज़्यादा होगा, और जो पेयरिंग एनर्जी होगी, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाना है तो बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराना है तो ऊपर ले जाने के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से वो क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऊपर ना जाकर क्या कर लेंगे, नीचे ही पेयर बना लेंगे, बस इतना डिफरेंस है उच्च चक्रण में और निम्न चक्रण में। फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने उच्च चक्रण के लिए लगाया था,
अब हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, D1 के लिए करेंगे। D1 यानी कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड पास में आया, डी ऑर्बिटल दो भागों में टूटी डी ऑर्बिटल, ये बेरी सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है -0.4, ये है +0.6। एक इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल दो भागों में टूट गई, दोबारा से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा के कक्षिकों में, कहाँ गया, T2g में गया। तो CFSE क्या हो जाएगी, CFSE हो जाएगी, T2g में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो x की जगह मैं क्या रखूँगी, एक मल्टीप्लाई बाई -0.4। Eg में कितना है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0.6। पेयरिंग एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर अभी कोई पेयर नहीं बना है, तो कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी, तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो गई, 0p। तो कितनी निकल कर आई, -0.4 डेल्टा O। तो यहाँ पर D1 के लिए लो स्पिन में एनर्जी कितनी निकल कर आएगी, -0.4 डेल्टा O, बिल्कुल हाई स्पिन की तरह। तो हम यहाँ से अभी पहले करते हैं, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे, हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे। ऐसे ही D2 के लिए करेंगे, सेम, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये D2 विन्यास हो गया। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में, कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाएगा, T2g में जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दें, एक्स की जगह अब T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, दो। Eg में अभी भी जीरो है, और पेयरिंग एनर्जी देखे तो अभी भी कोई पेयर नहीं बना है, तो पेयरिंग एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा -0.8 डेल्टा O। तो यहाँ पर CFSE कितनी निकल कर आई, -0.8 डेल्टा O। विन्यास देखें, ये तीन डी ऑर्बिटल DXY, DYZ, DZX क्या बनाती हैं, T2g, और DX2-Y2 और DZ2 क्या बनाती हैं, Eg। तो विन्यास क्या रहेगा, T2g में एक, Eg में जीरो। यहाँ पर विन्यास क्या रहेगा, ये तीन T2g है, ये दो Eg है, तो अभी भी T2g में दो इलेक्ट्रॉन है, Eg में जीरो। अब हम बात करेंगे D3 की, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये D3 विन्यास हुआ, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में, अभी तो कोई सिलेक्टिविटी नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अभी तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा तब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन या नीचे जाएगा, वो चौथे इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब हम सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना है या नीचे ही युग्मन कराना है। तो हमने तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब T2g में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.4। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई 0.6। पेयरिंग एनर्जी देखें तो अभी भी कोई पेयर नहीं बना है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.2 डेल्टा O। तो एनर्जी कितनी आई, -1.2 डेल्टा O। अब आते हैं हम D4 में, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा। ये आ गया हमारा D4 विन्यास, हमने चार इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन भरने थे, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, हमने इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, कहाँ से भरना शुरू किया, निम्न ऊर्जा के कक्षकों से। तो भरना शुरू किया, एक दो तीन, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्योंकि तीनों की एनर्जी समान है, तो जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक युग्मन तो शुरू नहीं होगा, तो तीन भर दिए। अब मेरे पास चौथे इलेक्ट्रॉन को भरने की दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाऊं, या तो फिर मैं यहीं पर पेयर करा दूं। तो मैं क्या करूंगी, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये निम्न चक्रण संकुल है, ये गैप जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, अगर ऊपर जाया तो बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो हमारे पास इतनी एनर्जी है नहीं भाई, तो पेयरिंग एनर्जी, पेयर करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पेयर करा देंगे ऊपर ना ले जाकर। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर क्या करेगा, नीचे ही पेयर हो जाएगा। तो अब देखें T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो x की जगह पर क्या आएगा, 4। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 0। अब यहां पर ये देखने वाली बात है पेयरिंग एनर्जी की। CFSE हमने क्या लिखी थी, CFSE लिखी थी हमने एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट प्लस पेयरिंग एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये एक्साइटेड स्टेट है हमारी, यहाँ देखें कितने पेयर बन रहे हैं, 0 पेयर बन रहा है, इसकी एनर्जी भी 0 और पेयरिंग एनर्जी भी क्या है, 0। लेकिन यहाँ पर देखें पेयर कितना बन रहा है, 1,
तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर एक है, तो एक में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक। यानी कि यहाँ पर एक पेयर बन रहा है और यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, तो इसमें से इसकी पेयरिंग एनर्जी को घटाएंगे नहीं, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1p, क्योंकि हमारा एक पेयर बन रहा है। अगर यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा होता तो फिर जीरो हो जाती, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल। लेकिन यहाँ पर कोई पेयर नहीं है जबकि यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी जुड़ेगी, यहाँ पर कितनी जुड़ेगी, एक पेयरिंग एनर्जी जुड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CFSE, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन गए, चार, तो ये हो जाएगी -1.6 डेल्टा O प्लस 1P, एक पेयरिंग एनर्जी मौजूद है यहाँ पर, तो 1P आएगा। तो यहाँ पर एनर्जी हम क्या लिखेंगे, -1.6 डेल्टा O प्लस 1P। विन्यास देखें, ये तीन T2G हैं, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, केवल T2G में गए हैं, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसलिए हमने EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। तो विन्यास क्या हो जाएगा, T2G4 EG 0। अब बारी आती है D5 की, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो मुक्त अवस्था में था, एक्साइटेड स्टेट में था, जब पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी समान थी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पांचों डी ऑर्बिटल में गया, क्योंकि यहाँ पर विपाटन नहीं हुआ है, समान एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक पेयरिंग नहीं करेगा जब तक कि पांचों में ना भर जाए। लेकिन जैसे जैसे लिगेंड पास में आए, डी ऑर्बिटल टूट गई दो भागों में, T2G में और EG में, तो क्या हुआ, ये लो स्पिन है तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर क्या करने लगे, नीचे ही युग्मन करने लगे, नीचे ही युग्म बनाने लगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं सकता तो क्या करेगा, वो नीचे रहेगा, 4, और पांचवा इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, नीचे ही रहेगा, नीचे ही पेयर बनाएगा। तो अब CFSE कैलकुलेट करें, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, T2G में हो गए 5, तो X की जगह रखेंगे 5, EG में अभी भी 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0। अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी देखें, क्या यहाँ पर कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पर पेयर बन रहा है, हाँ भाई, यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर, यहाँ पर 0 पेयर, तो 2 में से 0 घटेगा, आंसर कितना आएगा, 2, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कितनी जुड़ेगी, 2P की, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं। तो अब कैलकुलेट कर लो कितनी आ गई, 5 × 4 = 20 -2.0 प्लस डेल्टा O प्लस 2P, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, -2.0 डेल्टा O प्लस 2P। विन्यास क्या रहेगा, T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 T2G में जाएंगे, EG अभी भी 0 है, तो विन्यास हो जाएगा T2G5 EG 0। सेम अब D6 में जाएंगे, यहाँ पर तो पांचों डी ऑर्बिटल भर गई, तो छठवा क्या करेगा, युग्म बनाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई और ऑप्शन नहीं है, छठवे को यही युग्म बनाना पड़ेगा। लेकिन अब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई, हम जानते हैं पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा ज्यादा है, तो वो भी नीचे आया, पांचवा भी ऊपर नहीं जा सकता, वो भी नीचे आया, तो छठवा भी क्या होगा, ये गैप ज्यादा है तो ऊपर ना जा करके क्या करेगा, नीचे ही युग्म बना लेगा, तो इसने ये युग्म बना लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो X की जगह आ जाएगा 6, EG में अभी भी 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0। अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी हम देख लेते हैं, यहाँ पर अब तो पेयर बन रहा है, कितना बन रहा है, एक पेयर, और यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी में से इसकी पेयरिंग एनर्जी को घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 3 में से 1 गया, कितनी बचेंगी, 2 पेयर, क्योंकि एक पेयर यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं, तो एक पेयर तो इसके एक पेयर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बचे कितने, 2 पेयर, तो पेयरिंग एनर्जी कितनी रहेगी, यहाँ पर 2 पेयर। समझे कि नहीं, दोबारा समझ लीजिए, नहीं समझ में आया, हम क्या करते थे, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को घटाते थे, है ना, इसकी एनर्जी तो हमने 0 मान ली, तो अगर हम इसकी एनर्जी में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन युग्मन ऊर्जा, यहाँ पर युग्मन हो रहा है तो यहाँ पर भी तो युग्मन हो रहा है, तो युग्मन ऊर्जा तो यहाँ भी रहेगी, उसको 0 नहीं मान सकते हम, और युग्मन ऊर्जा यहाँ पर भी रहेगी, तो यहाँ पर एक युग्म बना तो इसकी एक युग्म 1P पेयरिंग एनर्जी है, यहाँ पर 3 युग्म बने तो इसकी 3P पेयरिंग एनर्जी है। अब हम क्या करते थे, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को घटाते थे, तो जब हम इसकी एनर्जी पेयरिंग एनर्जी में से इसकी पेयरिंग एनर्जी को घटाएंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 2 पेयरिंग एनर्जी बचेंगी, तो वही हमने यहाँ पर लिख दी, एक पेयर ने एक पेयर को कैंसिल कर दिया, बचे कितने, 2 बचे,
ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, दो पेयर बचे तो पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी, दो पी। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेंगे केवल कितने, दो पी। तो पेयरिंग एनर्जी को हमने यहाँ पर क्या लिखा, दो पी। अब कैलकुलेट कर लें, छह इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएगा -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। तो ये आ जाएगा -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। हम जैसा कि देख रहे हैं उच्च चक्रण में क्या था, d5 पर 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें d5 पर 0 नहीं है, यानी कि यहाँ पर स्थायित्व जो है समकुलों का बढ़ता ही चला जा रहा है। माइनस साइन लगा हुआ, इसका मतलब एनर्जी निकल रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी समकुल उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थाई होगा। तो यहाँ पर संकुलों का स्थायित्व जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी D1 से D6 तक आए, तो संकुलों का स्थायित्व बनेगा, यानी D6 लो स्पिन जो होगा वो बहुत ज्यादा स्थायी संकुल होगा, है ना, क्योंकि इसकी CFSE कितनी है, मैक्सिमम -2.4 डेल्टा ओ मैक्सिमम है। इसके बाद आप देखोगे घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थायी लो स्पिन में कौन से होंगे, D6 वाले संकुल, जिनमें D6 विन्यास होगा, जिन संकुलों में वो सबसे ज्यादा स्थायी होंगे। तो यहाँ पर अगर हम विन्यास देखें, सारे इलेक्ट्रॉन T2G में गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eg0, तो ये हो जाएगा T2G6 Eg0। अब D7 की बात करें, ये आया D7, यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, डेल्टा ज़्यादा है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर नहीं गया, छठवा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर नहीं गया, वो सब क्या कर गए, नीचे पेयरिंग कर गए। अब सातवां इलेक्ट्रॉन क्या करें, अब यहाँ पर तो नहीं आ सकता, ये तो पूरी भर गई ऑर्बिटल, तो सातवें की तो मजबूरी है भाई, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएगा, ईजी में जाएगा। अब हम कैलकुलेट करें CFSE, T2G में कितने हैं, 6, तो X की जगह रखा 6, ईजी में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पर Y की जगह क्या आएगा, 1। तो अब एनर्जी कैलकुलेट करें, पेयरिंग एनर्जी देखें, तो यहाँ पर कितने एक्साइटेड स्टेट में कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर यहाँ बन रहे हैं और 3 पेयर यहाँ बन रहे हैं, तो 2 पेयर और यहाँ पर 3 पेयर, तो इसके जो 2 पेयर हैं वो इसके 2 पेयर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा केवल क्या, 1 पेयर, यानी कि 3p में से 2p को माइनस करेंगे तो बचेगी कितनी, केवल 1 पेयरिंग एनर्जी बचेगी। यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी में से इसकी पेयरिंग एनर्जी को घटाएंगे तो पेयरिंग एनर्जी केवल कितनी बची, 1p। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी, केवल 1p की पेयरिंग एनर्जी आएगी। तो अब हम देख लेते हैं CFSE कितनी आई, -2.4 डेल्टा ओ प्लस 0.6 डेल्टा ओ बराबर हो जाएगी -1.8 डेल्टा ओ प्लस 1p। तो इसकी पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, -1.8 डेल्टा ओ प्लस 1p। विन्यास क्या हो जाएगा, T2G तो पूरा भर गया है 5-6, तो सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा, तो ये विन्यास हो जाएगा T2G6 Eg1। ऐसे ही हम D8 में कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया D8 विन्यास, क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पेयरिंग करेगा, और जब नीचे पूरा भर जाएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सातवां ऊपर गया और आठवां भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन भी ऊपर गया। तो अब हम CFSE कैलकुलेट करें, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो X की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 6। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर Y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2। पेयरिंग एनर्जी देखें, यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, तो 3 पेयर से 3 पेयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि पेयरिंग एनर्जी कुछ भी नहीं आएगी ओवरऑल, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, 0p। तो ये कितना आएगा हमारे पास, कैलकुलेट कर लेते हैं, -2.4 डेल्टा ओ प्लस 1.2 डेल्टा ओ प्लस 0p। तो ये आ जाएगा -1.2 डेल्टा ओ प्लस कुछ नहीं, 0 हो गई, तो केवल कितना रहेगा, -1.2 डेल्टा ओ रहेगी। इसी तरह आप D9 और D10 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे ना, या मैं करके बताऊं, चलो मैं ही कर देती हूँ, इतना किया है तो। D9 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा जब तक D6 नहीं भर जाए, सारे T2G नहीं भर जाएंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है, सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, आठवां, तो नौवां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर ही पेयरिंग करेगा, क्योंकि नीचे तो पूरा भरा हुआ है, तो उसको कहाँ पेयरिंग करनी पड़ेगी, ऊपर। तो अब वैल्यू रख दें, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। Eg में देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 3, तो यहाँ पर Y की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पेयरिंग एनर्जी देखें, यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 4, और यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे हैं, 4, यहाँ पर भी 4 पेयर हैं, यहाँ पर भी 4 पेयर हैं, तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी ओवरऑल,
जीरो हो जाएगी। तो पेयरिंग एनर्जी को हमने क्या रखा, जीरो, यानी कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है, दोनों की एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2.4 डेल्टा ओ प्लस 1.8 डेल्टा ओ प्लस 0 पी। तो ये कितना आ जाएगा, -0.6 डेल्टा ओ। यह आ गया केवल कितना, -0.6 डेल्टा ओ। अब अगर हम D10 की बात करें तो ये फुलफिल्ड हो गया, और D10 में हमने अभी देखा था पीछे भी, D10 में क्या हो जाएगा, पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल फुल हो जाएंगी। 1, 2, 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सका तो कहाँ पेयर कर गया, नीचे। तो चौथा, पांचवा, छठवां, अब कोई ऑप्शन नहीं था, सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, आठवां, नौवां और दसवां। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, Eg में कितने हैं, 4, तो y की जगह क्या रखेंगे, 4। और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी पांच पेयर बन रहे हैं, पांच पेयर यहाँ भी हैं, पांच पेयर यहाँ भी हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पेयरिंग एनर्जी अभी भी क्या है, जीरो है, तो ये हो जाएगी जीरो पेयरिंग एनर्जी। और CFSE भी यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास, जीरो। तो यहाँ पर D10 लिखेंगे तो इसके लिए CFSE क्या रहेगी, जीरो। ये विन्यास नहीं लिखा, 1, 2, 3 T2g में भरे जाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, उसके बाद Eg में जाएंगे 7 और ये 8। तो विन्यास हो जाएगा T2g 6, Eg 2। इसके बाद D9 में देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, T2g में भरे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीनों फुल हो गए। इसके बाद सातवां, ये आठवां और ये नौवां इलेक्ट्रॉन। तो विन्यास हो जाएगा T2g में 6 हैं, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। और D10 में आए तो पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल क्या हो गई, फुल भर गई। पहले T2g भरी जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद Eg में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सातवां, आठवां, नौवां और ये दसवां। तो विन्यास क्या हो जाएगा, T2g में 6 हैं और Eg भी पूरी भरी हुई है 4, CFSE क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो D1, D2, D3 के लिए CFSE की वैल्यू ये आई हैं, और हाई स्पिन में भी CFSE की वैल्यू यही रहेंगी। इसका मतलब जब विन्यास D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, तो वहाँ पर कोई हाई स्पिन, कोई लो स्पिन नहीं होता है। हाई स्पिन लो स्पिन कहाँ से शुरू हुआ, D4 से, चौथे इलेक्ट्रॉन से ही। तो हमने देखा था कि ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, तो कहाँ से डिसाइड होंगे हाई स्पिन लो स्पिन, D4 से। तो D4 से लेकर कहाँ तक, D7 तक, ये यहाँ पर रहते हैं हाई स्पिन या लो स्पिन। जब विन्यास D4 होगा, D5 होगा, D6 होगा या D7 होगा, तब हम चेक करेंगे कि ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। केवल इन्हीं विन्यास में चेक करना है हाई स्पिन है या लो स्पिन। बाकी अगर हम देखें तो D8, D9, D10, D1, D2, D3 ये हाई स्पिन में भी सेम है और ये लो स्पिन में भी सेम है। CFSE यहाँ पर जितनी आई है, हाई स्पिन में भी CFSE उतनी ही आई थी। इसका मतलब D1, D2, D3, D8, D9, D10 इनके केस में कोई हाई स्पिन, कोई लो स्पिन नहीं होता है। केवल किसके विन्यास में देखना पड़ता है, D4, D5 और D6 और D7 में देखना पड़ता है कि ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम CFSE की गणना करते हैं अष्टफलकीय संकुलों के लिए। दोनों के लिए करके देखा हमने, उच्च चक्रण के लिए भी करके देखा और निम्न चक्रण के लिए भी करके देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जब हमने चतुष्फलकीय में विपाटन किया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि चतुष्फलकीय में विपाटन कम हो पाता है क्योंकि वहाँ 4 ही लिगेंड विपाटन कर रहे हैं, जबकि अष्टफलकीय में 6 लिगेंड होते हैं तो विपाटन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जितने भी चतुष्फलकीय संकुल होते हैं हमेशा क्या होते हैं, हमेशा हाई स्पिन होते हैं, हमेशा क्या होंगे, हाई स्पिन, उच्च चक्रण वाले होंगे। इसके अलावा ये जो हाई स्पिन लो स्पिन का केस है केवल 3D मेटल्स के लिए जाता है। ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व है, उनकी कुछ सीरीज हैं, एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है। तो ये जो हम हाई स्पिन लो स्पिन का केस लगाते हैं ये केवल किसके लिए, 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबर, आयरन, मैंगनीज, आयरन, कोबर, निकिल, कॉपर, जिंक, ये किस में आते हैं, 3D
सीरीज में आते हैं। तो ये जो हाई स्पिन और लो स्पिन का केस है केवल इन्हीं के लिए लगेगा, 3D सीरीज वालों के लिए, ठीक है। अगर हम 4D सीरीज वालों की बात करते हैं, यानी येटरबियम फैमिली की बात करते हैं, लेंथेनम फैमिली की बात करते हैं, तो क्या होगा, 3D और 4D में हमेशा ही स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि जो 3D और 4D वाले संकुल बनेंगे वो हमेशा क्या बनेंगे, हाई स्पिन। तो ये नोट करके आप लिख सकते हैं कि 3D व 4D सीरीज वाले धातु आयन सदैव क्या बनाते हैं, लो स्पिन संकुलों का निर्माण करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, लो स्पिन संकुलों का निर्माण करते हैं। तो आज की लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल के लिए CFSE की गणना करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर CFSE डिपेंड करती है, यानी कि क्या फैक्टर हैं जो CFSE को बढ़ाएंगे और वो क्या फैक्टर हैं जो CFSE को घटाएंगे। उसके लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू।